नत कन्या बर रहु कुआरी कंत मम प्राण प्यारी। जय श्री राम। आज हम श्री राम कथा में आगे का वर्णन सुनेंगे जो श्री राम कथा में आगे हुआ। यदि आप सभी श्री गोपाल सेवा समिति यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं श्री राम कथा में आगे क्या हुआ। नत कन्या बर रहु कुआरी कंतम उमा मम प्राण प्यारी। नहीं तो कन्या कुवारी ही रहे तो अच्छो है, क्योंकि उमा मुए प्राणते प्यारी है। ये पार्वती की मैया के बोल। सही बर होए तो ही छोरी को ब्याह करना चाहिए, अगर सही बर ना है तो कुवारी रहे तो जान जा में बुराई ना है। माता पिता बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए माता पिता है। पति और पत्नी दोनों की सलाह से ही कोई काम करना चाहिए। हिमबान ने अपनी पत्नी को समझाया कि शिव हमारी उमा का ये बहुत बढ़िया मतलब सब प्रकार से बढ़िया बर है, अतः उन्हें पति रूप में पावे का जे उमा को तप करना चाहिए। किंतु संतान का मोह पार्वती को तप करने की आज्ञा देने में मैया मना कर रही। पार्वती तप करने को तैयार थी। उन्होंने माँ से कहा, मोए स्वप्न में एक ब्राह्मण ने यह ज्ञान दियो, तप आधार सब सृष्टि भवानी करही जाए तप अस जी अजानी। के हे उमा, यह संपूर्ण संसार तप के ऊपर निर्भर है, और ऐसा मन में समझ कर तुम जाकर तपस्या करो। मात पितई बहु विध समुझाई चली उमा तप हित हरसाई। पार्वती जी ने अनेक प्रकार से अनेक तरह से माता पिता समझायो, तब उनसे तप के लिए प्रसन्न होकर विदाई ली। माता पिता ने कह दई, जब जाके तप का ये विदा है कि पार्वती मैया चली। नित नव चरण उपज अनुरागा बिसरी देह तप ही मन लागा। पार्वती जी के मन में शिव जी के चरणों में प्रतिदिन नया मोह पैदा होने लगा। बाकी फलस्वरूप देह की शुद्ध भूल गई, अपने शरीर की शुद्ध भूल गई तथा तप में मन लग गया। उनका मन तप में लग गया। अगर हम किसी काम में मन लगने का कारण अपने अंदर उसके प्रति अनुराग की कमी ही होती है। पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने सप्त ऋषियों को भेजा। उन्होंने कही कि पार्वती की इष्ट निष्ठा डिगाओ, और फिर बहुत प्रयत्न किए लेकिन पार्वती जी अड़ग रही। वे बोली, जन्म कोट लगे रगर हमारी बरऊ संभुन तरऊ कुआरी। मेरा तो यही संकल्प है कि करोड़ों जन्म लऊं तब भी तप करूंगी, करना पड़े तो तप करूंगी, तो भी महादेव जी को ही अपना बर बरूंगी, वरना जीवन भर कुआरी रहूं। अनन्य निष्ठा वाले दूसरे विकल्प नहीं सोचते। सप्त ऋषियों ने लौटकर शंकर भगवान को पार्वती जी की निष्ठा के संबंध में बताया तो शिव प्रेम मग्न हो गए, फिर चित्त स्थिर कर समाधि में लीन हो गए। उस समय तारकासुर ने सभी लोकपालों को पराजित कर दिया, तीनों लोगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। देवता सुख संपत्ति से वंचित हो गए। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत करी कि ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव का ही पुत्र तारकासुर को मार सकता है। मोर कहाँ सुन कर उपाय होई ईश्वर करही सहाय। मेरी बात तो आप लोग ध्यान दें और सुन के
उपाय करें, भगवान आप लोगों की सहायता करेंगे और काम सिद्ध हो जाएगा। जो अपनी समस्या के समाधान के लिए स्वयं प्रयास करता है, ईश्वर भी उसी को सहायता करता है। देवताओं के आह्वान पर कामदेव प्रकट हुए। देवता ने कही कि आप शिव के मन में क्षोभ उत्पन्न करो, उनकी समाधि भंग करो। कामदेव ने सोचो कि शिव से विरोध करने में तो मेरी कुशलता ना है। फिर उसने देवताओं से कहा, तदपि करो मैं काज तुम्हारा, श्रुत कह परम धर्म उपकारा। तो भी मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि वेद में परोपकार को परम धर्म कहा गया है। समाज की भलाई का आज जो काम करो जाए तो वह खतरा उठाना भी तो पीछे नहीं हटना चाहिए, खतरा उठाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पर हित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसई तेही। जो व्यक्ति दूसरों का कल्याण के लिए स्वयं को बलिदान कर देते हैं, उनकी सज्जन सदैव सराहना करते हैं। सज्जमान और सराहना द्वारा बलिदानियों का उत्साह बढ़ाना सज्जनों का काम है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वसकीन सकल संसारा। तब कामदेव ने अपनो प्रभाव फैलायो और सारे संसार को अपने वश में कर लियो। सामर्थ्य होते हुए भी जब तक प्रयास न किया जाए तो उसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान बेज्ञाना। ब्रह्मचर्य व्रत संयम अनेक प्रकार के धैर्य धर्म ज्ञान विज्ञान आदि। सदाचार जप जोग विरागा, सवय विवेक कटुक सब भागा। सदाचार जप योग वैराग्य विवेक आदि सदगुणों की सेना डरकर भाग गई। काम वासना जब सबल हो उठती है तो सदगुण लुप्त हो जाते हैं। बहु ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघार सकल दिस देखी। भगवान शिव के मन में बहुत बेचैनी हुई, उसका कारण जानने के लिए उन्हें सब ओर दृष्टि दौड़ाई। अस्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर तुरंत उसका कारण खोजना चाहिए। तब शिव तीसर नयन अघारा, चितवत काम बहु जरे झारा। तब महादेव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, उससे देखते ही कामदेव जल कर भस्म हो गए। अपने स्वाभाविक शांति को भंग करने वाले कारण को विवेक के प्रयोग से नष्ट कर देना चाहिए। तीसरा नेत्र विवेक बुद्धि का परिचायक है। देवताओं की ओर से ब्रह्मा शिव से प्रार्थना की, ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की तथा कही कि अब हम उमा के साथ आपका विवाह देखना चाहते हैं, और शिव ने स्वीकृति दे दी। उसी समय सप्तऋषि वहाँ आए और शिव ने उन्हें हिमांचल के यहाँ भेजा। वे लोग पहले उमा के पास गए तथा कहा कि पहले तुमने नारद के उपदेश के कारण हमारा कहना नहीं माना था, अब शिव ने काम को जला दिया है, अतः तुम्हारा प्रण झूठा हो गया। पार्वती ने उत्तर दिया, तुमरे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सबिकारा। आप लोगों की समझ से संकट जी ने कामदेव अभी ही भस्म किया है, अब तक तो वे शायद काम विकारों से ग्रस्त रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवज्ञ वज्ञ अकाम अभोगी। हमारी समझ में तो शिव जी सदैव ही योग युक्त, जन्म रहित, दोष रहित, कामना रहित और भोगों से रहित हैं। सच्ची निष्ठा दूसरों के बहकाने से भटकती नहीं है। अपनी इष्ट की सही स्वरूप को बोध और उस पर विश्वास सच्चे साधक के गुण होते हैं। तब सप्तऋषियों ने हिमवान से ब्याह की तैयारियों के लिए कहा। शिव के ब्याह की तैयारियां हुई।
गणों ने शिव का श्रृंगार किया। गरल कंठ उर नर सिर माला, अश्व वेश शिव धाम कृपाला। शिव ने गले में विष तथा हृदय में नर मुंड माला, और इस तरह शिव का वेश तो अमंगल है किंतु वे कृपालु कल्याण के घर हैं। शिव मृत्यु के देवता हैं। सादा जीवन उच्च विचार, शिव के स्वरूप की आध्यात्मिक व्याख्या कीजिए। शिव की बारात चली, बारात का विवरण। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद बिनो बिनु पद कर को बहु पद बाहू। कौ के तो मुख नाए, कौ के बहुत मुख हैं। कौ के बिना हाथ पैर कोए, और कौ के बहुत हाथ पैर हैं। विपुल नयन कोई नयन बहीना, रिष्ट पुष्ट को अत तन खीना। कौ के तो नेत्र नाए, कोई बिना नेत्र कोए, कौ के नेत्र हैं। कोई बहुत मोटो है तो कोई बहुत पतरो है। शिव की बारात है पिछड़े हुए समाज को एक प्रतीक। शिव आदर्श महापुरुष हैं, अतः सबको साथ में रखते हुए सबका मंगल करते हैं। शिव के श्रृंगार एवं उनकी बारात से वर्तमान समाज की संगति मिलाते हुए उचित प्रेरणा दी जा सकती है। आजकल होता है ना, जात पात भेदभाव के जाते अलग रहो, ये जात को जाते अलग रहो। तो शिव की बारात का ही पिछड़े हुए समाज को प्रतीक, शिव की बारात में सब गए। इस प्रकार मार्ग में अनेक प्रकार के मनोरंजन करते हुए बारात हिमाचल के यहाँ पहुँची। उमा की माँ वर पर परीक्षण करने के लिए आई। वर की साज सज्जा देखकर साथ की स्त्रियाँ भाग खड़ी। मैं नाभी बिना परीक्षण किए लौट आई। अपनी कन्या को कुपात्र को ब्याहते जाते देख उन्हें बड़ा दुख हुआ तथा उन्होंने इस विवाह को रोकने का निश्चय कर उमा को गोदी में बिठा लिया तथा दुखी होकर कहने लगी।